हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काजू कतली यानी काजू की बर्फी। फ्रेंड्स, काजू कतली सभी की फेवरेट स्वीट होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप केवल 3 चीज़ों से अपने घर पर ही एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट काजू कतली बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। क्योंकि फ्रेंड्स, बाजार में मिलने वाली सभी काजू कतली प्योर यानी शुद्ध नहीं होती। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए हम बनाते हैं एकदम शुद्ध काजू कतली। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी काजू, लगभग 150 ग्राम। फ्रेंड्स, काजू मैंने लिए हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़े वाले, ये बाज़ार में आसानी से और सस्ते भी मिल जाते हैं। ये 1/2 कटोरी चीनी, लगभग 100 ग्राम, और ये लगभग 50 ग्राम पानी। फ्रेंड्स, जितनी हमारी चीनी है, पानी भी हम उससे आधा लेंगे, और ये 2 चम्मच देसी घी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम काजू को एक मिक्सर जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बनाएंगे। काजू को ग्राइंड करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, मिक्सर को हम लगातार की बजाय थोड़ी थोड़ी देर रोक रोक के चलाएंगे, क्योंकि लगातार चलाने से काजू तेल छोड़ देते हैं, जिससे काजू का एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखिए, काजू का पाउडर बन गया है। अब हम इसे एक छलनी में डालकर छान लेंगे। और जो मोटे टुकड़े बच गए हैं, उन्हें हम दोबारा पीस लेंगे। इन्हें भी लगातार की बजाय रोक रोक कर पीस लेंगे और इसे भी छान लेंगे। ये देखिए, हमारे काजू एकदम बारीक पाउडर बन गया है। फ्रेंड्स, अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे। अब हमने जो चीनी ली है, उसकी चाशनी बनाएंगे। उसमें हम चीनी और पानी एक साथ डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारी चाशनी उबलने लगी है और इसे लगातार चलाते रहें जब तक हमारी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे उंगली और अंगूठे से, अभी नहीं बनी है, इसे और चलाते रहेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा चाशनी में तार बनने लगा है, मतलब हमारी चाशनी लगभग रेडी है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें काजू पाउडर डाल देंगे। अब इसको चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें, गैस का फ्लेम हमने एकदम लो पर रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। और इसे लगातार चलाते रहें जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए या हल्का गाढ़ा ना हो जाए तब तक। ये देखिए, हमारा मिक्सर गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे नीचे उतार लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये ठंडा होगा, वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। हमने इसे एकदम ठंडा भी नहीं करना है। अब हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेंगे। इसके लिए हम पैकिंग पॉलिथीन भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक पॉलिथीन ली है। इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर चिपके नहीं।
अब हम इस मिक्सर को इस पॉलिथीन पर निकाल लेंगे। और इसे आटा गूंथने की स्टाइल में लगभग 2-3 मिनट तक गूंथ लेंगे। हमारा मिक्सचर अभी गर्म है तो हम इसे एक कटोरी की सहायता से तैयार करेंगे। इससे काजू का फैट निकल आता है और स्वीट में क्रैक्स भी नहीं पड़ते और ना ही पपड़ी जमती। स्वीट एकदम मुलायम और अच्छी बनती है। और हम इसे ऐसे पलट पलट कर मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे काजू मिक्सचर की कितनी अच्छी बाइंडिंग आने लगी है। अब हम इसका एक गोला बनाकर इसे पॉलिथीन से कवर करके बेलन से बेल लेंगे। काजू कतली को बेलते समय इसे चौकोर बेलने की कोशिश करें और इसे बेलन से पतला बेल लें, जितना आप काजू कतली का साइज रखना चाहते हैं उतना। आप इसे हाथ से चौकोर शेप बना सकते हैं। इसको बिल्कुल इक्वल साइज में बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से इक्वल बेल लिया है। अब हम एक चाकू लेकर इसकी कतली काट लेंगे। सबसे पहले हम इसके गोल और आउटर किनारे कट कर लेंगे। अब हम कतली को डायमंड शेप में काटेंगे। सबसे पहले इसे सीधा कट कर लेंगे, फिर इसे तिरछा कोने से कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी काजू कतली कितनी शानदार बनी है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें।